रोहित शर्मा एक अटैकिंग प्लेयर है, उसमें फिर चांसेस कम होते हैं हर दफा बड़ी बारी खेलने के। टीम की इनसे डिमांड और है, उनसे और है। लेकिन जिस दिन कोहली जल्दी आउट हुए तो उन्होंने भी काफी लंबी बारी ली है पिछले मैच में। दोनों ही मैच विनर है अपने डे पे। मुबारकबाद दिया जिनका रिकॉर्ड उन्होंने बराबर किया है, और उसके साथ साथ उनके आउट के हवाले से भी बहुत सारी बात हो रही है, कहीं अंपायर ने उनको फायदा दे दिया। तो ये सारी चीजें आपके सामने है, रोहित से भी ये अंपायरिंग वाले इशू पे बात करेंगे, लेकिन आप मजबूत तौर पर इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? हेलो रोहित, हाउ आर यू? हाफिज जी, आई एम गुड सर। मैं इसको शॉर्ट इसलिए रखूंगा कि मैं बाहर हूँ कहीं खाने पे, और दूसरी बात ये है कि मैंने नहीं देखा उनका डिसमिसल कि वो किस तरह का था। मैं जब आया हूँ होटल वापस तो ही वाज 90 रन पे थे वो। बहरहाल इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, इज अ जीनियस विद द बैट इन हैंड, और उन्होंने परफॉर्मेंस से अपनी ये साबित किया, ही डिजर्व्स ऑल द एप्रिसिएशन। अगर एक आउट नहीं भी दिया, लेट से अगर होगा भी, तो क्या कभी अंपायर गलत आउट नहीं देते बंदे को? तो ये तो क्रिकेटिंग जर्नी का हिस्सा है, कभी आपके हक में डिसीजन है कभी नहीं है, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। द पॉइंट इज के वो एक कोर ग्रुप एक हर टीम का होता है, जिसमें आपके टॉप के 3-4 थिंकर्स होते हैं, जो आपका कोर थिंक टैंक होता है, एंड ही हैज टू बी द पार्ट ऑफ इट। इज द बेस्ट प्लेयर, उसके अलावा एक सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन रहे हैं, इतने साल कप्तानी की है। सो इसमें कोई ऐसा हैरान करने वाली बात नहीं है। यू एक्सपेक्ट सच अ ग्रेट प्लेयर टू बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। ठीक है। अच्छा बट साहब, जिस तरह आपको लगता है कि कहीं सारी जो विराट की कारकर्दगी है उसके बड़ी कारकर्दगी के नीचे रोहित शर्मा की कारकर्दगी कुछ दबती चली जा रही है? देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि रोल्स बड़े क्लियर हैं दोनों के, और विराट की कंसिस्टेंसी अनमैच्ड है, इसलिए कि ही इज फार मोर फिटर, फार मोर स्ट्रॉन्गर, और वो कह लीजिए कि जो डीप इनिंग्स को लेके जाता है उसका रोल भी डिफरेंट है। रोहित शर्मा एक अटैकिंग प्लेयर है, उसमें फिर चांसेस कम होते हैं हर दफा बड़ी बारी खेलने के, क्योंकि ये टीम की इनसे डिमांड और है, उनसे और है। लेकिन जिस दिन कोहली जल्दी आउट हुए तो उन्होंने भी काफी लंबी बारी ली है पिछले मैच में। सो वो अडेप्टेबिलिटी है उनमें। दोनों ही मैच विनर है अपने डे पे। नहीं तो वो तो पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा नहीं कि उसमें अंपायर की कहीं कोई गलती थी उसमें ऐसा क्या है मतलब जिसको लेकर के हम ये कहें कि नहीं यार, जैसा ऑब्वियसली सलमान सर ने भी कहा कि अगर उनके हक में गया तो क्या ये पहली बार हुआ कि मतलब उनके हक में कोई चीज चली गई? उनके अगेंस्ट भी गई है चीजें। आप 2019 का सेमीफाइनल याद कर लो, वो अंपायर्स कॉल पे उन्हें आउट दे दिया गया था। अगर वो अंपायर्स कॉल नहीं होता तो विराट कोहली नॉट आउट थे उस मैच में। तो ये तो इधर उधर होता रहता है, कभी आपके फेवर में जाएगा कभी आपके फेवर में नहीं जाएगा। जैसे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका गेम था, रसी वेंडरसन का डिसमिसल, जब पाकिस्तान बोलिंग कर रही थी तो पाकिस्तान के फेवर में चला गया। शमशी जब बैटिंग करने आया तो शमशी के फेवर में चला गया, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट चला गया। तो ये चीजें तो होती रहती हैं, इस पे मुझे नहीं लगता है कि जो बोलने वाले, देखिए वो आज भी कह रहे हैं कि विराट जो है वो स्लो खेल गए, विराट ने 10 बॉलें ज्यादा ले लिया। ये आज जमीर सैफी का सवाल भी आ गया। जमीर सैफी कह रहे हैं रोहित सर आज विराट स्लो क्यों खेले? भाई देखो, वो बंदा हमसे क्रिकेट बहुत बेहतर जानता है कि कितनी खेलनी है, क्या खेलनी है। उसका काम था आज कि उसको एक एंड पकड़कर चलना है। 2 विकेट गिर चुके थे बैक टू बैक, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। ये विकेट थोड़ा सा स्लगिश था, जिसपे बॉल थोड़ा सा फंस रहा था, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकी पॉन्टिंग कह रहे थे, ये रिकी पॉन्टिंग कह रहे थे, और भी बहुत लोगों को मैंने कहते हुए सुना कि इस विकेट में बॉल थोड़ा, और वो आपने देखा भी होगा इतना घूम रहा था बॉल पड़कर और फंस रहा था, स्लगिश विकेट था पूरा का पूरा। शुभमन गिल जिस तरीके से आउट हुआ, यस शुभमन गिल, केशव महाराज ने आते ही, उस समय बॉल कोई बहुत पुराना थोड़ी था, लेकिन केशव महाराज ने आते ही जिस तरीके से उन्हें आउट किया, तो बहुत जरूरी था कि विराट कोहली वहां पर विकेट ना गिरने दे। सलमान सर ने भी कहा अभी कि दोनों के रोल्स डिफरेंट है, एक का काम है अटैक और इंटेंट से बैटिंग करना, और दूसरे का काम है, और पिछला मैच देख लो जहां पे पाटा विकेट था वहां पे विराट कोहली के 50 रन में 8 चौके थे। तो पिछले मैच में जहां कंडीशंस अच्छी थी वहां पे विराट ने दबा के खेला, जबकि रोहित वहां पर भी जल्दी आउट हो गए थे। आज तो रोहित ने फिर भी एक स्टार्ट दिया, पिछली बार तो रोहित 0 पर आउट हो गए थे, तब भी विराट ने जहां पर बैटिंग जिस तरीके से करनी होगी ही नोज हाउ टू बैट यार। तो हमें ये स्लो पारी खेली, तेज पारी खेली, अनटिल एंड अनलेस ही इज डिलीवरिंग इट फॉर टीम इंडिया, मुझे नहीं लगता। हाँ अगर ये होता कि भाई जैसे न्यूजीलैंड में, अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऐसे होता कि वो अपने लिए 100 के लिए खेल रहे होते और इंडिया हार जाता तो आप बोलो भाई, लेकिन अगर बंदे में ये काबिलियत है
बाकी जहां तक बात रही फकर जमा की, मैं तो कहूंगा कि मैं पहले से ये कहता आया हूं कि भाई फकर को जब बाहर भी किया गया था तो मुझे लगा था कि एक सही फैसला नहीं है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम में कोई सबसे ज्यादा इंटेंट और सबसे ज्यादा सेल्फलेस खेलने वाला खिलाड़ी है तो वो फकर जमा है।